स्टिल इन प्रोसेस चल रहा है। देखो गाइस अभी बहुत लोग आने वाले हैं बर्थडे में। देखो देखो ये चीज की हमने सब कर रखे हैं और सब आने वाले हैं। कैसे हैं आप सभी? तो आज देखो मुझे बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। सेकंड आज मेरा बर्थडे है, विश मी हैप्पी बर्थडे। तो आज का बर्थडे ब्लॉग ऐसे कुछ इस तरीके से रहेगा कि देखते हैं क्या किया जाता है अभी पूरे दिन भर में। वैसे तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ और स्कूल को जा रही हूँ, बाकी आपको इसके बाद मिलते हैं। और आज अंकिता का लुक कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। अंकिता ने पहनी ग्रीन साड़ी और वाइट कलर का हुड, तो अंकिता कुछ इस तरह से लग रही है और बहुत खुश है। और अंकिता बोल रही है हैप्पी बर्थडे बेटा। तो अंकिता को हो गई है बस मिस। और अब हर से छोड़ने जा रहा है मोटा हल्दू, वहाँ से स्टाफ बस में जाएगी। कैसा लग रहा है आज? तो आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। हेलो एवरीवन, तो सुबह से अब मतलब एटलीस्ट 5 बज गए हैं और हम रेडी हो गए हैं। तो आज मैं लेके जाने वाली हूँ इन सबको पार्टी कराने। अभी प्लेस डिसाइडेड थोड़ी बहुत कर ली है, मतलब हम लोग सोच रहे हैं, मतलब मैंने सोचा कि हम हट गार्डन जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं हट गार्डन जाने की। देखो सब तैयार हो गए हैं। पापा को खटीमा से बुलाया है पार्टी करने के लिए। मैंने कहा पापा आ जाओ पार्टी कराऊंगी, आज फर्स्ट टाइम मैं पार्टी दे रही हूँ उन्हें। तो हाउ आप? फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मुझे हैप्पी बर्थडे खाना नहीं बनाना आज पता है, पहली बार ऐसा है कि हाँ बर्थडे है और मैं कुछ नहीं बना रही। मतलब मैंने सुबह सेवई बनाई थी अपने, सुबह पूरी बनाई थी, हम पूरी बनाई थी, खाना लंच लेके गए थे, सब लेके गए थे, मटर बनाए थे, सब बनाया था जो डिनर का टाइम का। लेकिन देखो मैं कितने खुश हूँ। तो अब मैं लेके जाता हूँ आपको हट गार्डन। मैं एक बार गई हूँ, उससे पहले गई थी हट गार्डन, और अब इन सबको लेके जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। अभी 5 ही बज रहा है, मतलब बहुत लेट भी नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी भी नहीं जा रहा है, ठीक ठीक टाइम पे डिनर करके आएंगे और आपको दिखाते हैं। अब हो गए हम लोग तैयार। क्या बोलूँ, वेट कर रहे हैं अपनी सवारी का। तो हमारा ऑटो आने वाला है, तो हम ऑटो में सीधे वहीं जाएंगे जहाँ अंकिता ले जाएगी। मैंने तो देखा भी नहीं है, और ओनली मैंने देखा, सिर्फ अंकिता ने देखा है। तो हम लोग जा रहे हैं, निकी आ जा सकता है। ये देखिए अंकिता का सिंपल सा लुक है, जितने मैं इसके लिए गिफ्ट लाई थी ना इसने सारे यूज कर दिए हैं, सिर्फ एक टॉप को छोड़कर। जितने टॉप थे ना मैं सोच रही थी सब एक के ऊपर एक डाल दूं, हां उतारते रहूं। व्हाइट टॉप पहना है, ब्लैक जींस पहनी, और मैं इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई था, इसने सारे यूज कर दिए हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूं। ये देखो, ये देखो, मैं सोचती हूं पहले खत्म कर दूं। ये देखिए अंकित पापा की फोटो खींचे ले लिया बेटा, ले लिया ले लिया। पापा की फोटो खींचे भैया, पापा की फोटो खींचे। कौन मेरा वो है? तो वो सब अपने उसका वेट कर रहे हैं जो जो इन्हें मंगवाया है। ये देखिए हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, और ये मम्मी एंड पापा जी। एक चीज़ और था,
एक ही और मैं भी सोच रहा हूं नहीं मंचूरियन अब आगे जा रहा फर्स्ट क्लास पूछी कैसे हो रहे कैसा हो रहा अभी केक नहीं काटा कैसा हो रहा साफ अच्छा मंचूरियन में टेस्ट नहीं कितना खाया निकी कैसा हो रहा बढ़िया हो रहा तो अंकिता की बर्थडे की डेकोरेशन देखिए कुछ इस तरह से बना रखा अंकिता ने अपने लिए तो अनु बहुत खुश है आज हमारी इसकी चली है वीडियो बना रहे हैं अभी सरप्राइज है अभी बहुत लोग आने वाले हैं बर्थडे में वीडियो आएगी अरे वो वीडियो अंकिता का फोटो शूट पूरा नहीं हो पा रहा है अलग 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 टाइप से अंकिता फोटो खिंचा रही है वीडियो बना रही है कि कैसा लग रहा इसकी ना अंकिता की हमारी ख्वाहिश बहुत ज्यादा है ओ लाइट चली गई ये देखो देखो आप अपना पाँव पीछे को करो और पीछे को और पीछे को ये नहीं को धक्का देगा नहीं 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 हो गया हर गम से भी गाना होता है डर की ना रही है इधर बस चल हो गया मैं बोल बना चलो अच्छा अच्छा करो करो नहीं गिरता है बेटा नहीं गिरता है आप पीछे को जाओ हाँ पीछे को जाओ तो कुछ मस्ती चल रही है इस टाइप की झूला भी झूल लिया है कैसा लग रहा है झूला झूलते हुए साफ नहीं आ रहा तो अब झूला भी हो गया अब केक काट लिया जाए चलो अब अंदर चले जाते हैं मेरी बर्थडे की डेकोरेशन देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से है अभी हमारे गेस्ट नहीं आए हैं वो गेस्ट अगले व्लॉग में आएंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे देखो हम पहले आ गए हैं
तो हम अंकिता का बर्थडे मनाने आए हैं कुछ हट गार्डन कहते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और अंकिता बहुत खुश लग रही है, इसकी ख्वाहिश है कुछ बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको अलग अलग सा बर्थडे बनाना होता है। कैसा लगा आपको? एक मिनट, कैसा लगा आपको? मस्त। आ जाओ बेटा। बार बार दिन ये आए, बार बार पल ये आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। चांद सितारा जैसे फूल, गुलाब जैसे खिली रहे तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ और से तुम चले जाओ, ज्यादा मुझे नहीं आता, तू भी है फिर पापा मैं आ जाएंगे फिर फोटो कैमरा कहाँ है? तो ये ऐसा फोटो शूट सेशन चल रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं पहले आप, ये हमारा आज का कैमरा मैन है, ये देखो। ये प्रॉपर कैमरा मैन की तरह हरकतें कर रहा है। कुछ है हमारा डिनर, ये क्या है? मटर मशरूम। और ये क्या है हमारा? मिक्स वेज। ये मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज। अरे अचार, अचार रोटी बिरयानी आ रही है, और बाकी अभी ऑर्डर करेंगे, बाकी अभी ऑर्डर करेंगे। बोलिए तो इसने एक बड़ी स्पेशल चीज़ ऑर्डर करी है, मिर्ची का पराठा, जो मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती। क्या है देखो, इट्स मिर्ची का पराठा, इसमें मिर्ची मिर्ची है। सो सॉरी आई विल नॉट ईट। खा के बताओ कैसा हो रहा। तो हर्षित ने खा लिया मिर्ची पराठा, हर्षित को मिर्ची लग गई है, देखो कैसे लग रही है। सब खा के मस्त हो गए हैं। तो अब हम निकल गए हैं वापस। तो हम घर पहुंच गए हैं, अब हम थक गए हैं, अब सुबह से तैयार होके नजर लग गई है, नजर लग गई है। अब मैं इसको राई घुमाती हूँ, थोड़ा सा चाय पीते हैं, थोड़ा ठंडा भी हो गया। और बाहर बारिश हो रही है, इस सीजन की पहली बारिश है, और बारिश का छींटे हो रहे हैं, बारिश का आनंद उठाते हुए। नहीं बारिश छींटे हो रहे हैं, मतलब कल तक बारिश पड़ जाएगी, जब तक हम ये ब्लॉग डलेगा तब तक बारिश पड़ चुकी होगी। हाँ, और ये पापा हमारे ब्लॉग को खराब कर देते हैं पीछे से आके, देखते भी नहीं है, सीधे चलते रहते हैं। और चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। ओके बाय बाय। इतने सारे बर्थडे विशेस देने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे उसमें भी बहुत सारे हैं, इतने मैसेज हैं जिनका रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी शायद आज तो मैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुतों को मैंने कर दिया है, जो रह जाएंगे सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ बहुत ज्यादा मेरे उसमें भी है, मेरी बिटिया को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आप सभी का दिल से तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना आशीर्वाद सदा बनाए रहना। ओके बाय बाय।